दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देने वाले, एक न्यू टॉपिक पे जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, आज तक मैं आपको टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, गवर्नमेंट और प्राइवेट योजनाओं के रिलेटेड जानकारी देते रहा हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको आपके सेहत के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके काम की जानकारी, आपके स्वास्थ्य के, आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे किस हॉस्पिटल में, इंडिया किस हॉस्पिटल में किस ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, जो भी ब्लड ग्रुप आपका रहता है वो समय पर नहीं मिल पाता, ये पता नहीं रहता है, इस ब्लड ग्रुप किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, किस में नहीं है, जिससे आपकी पेशेंट की जान बच सकती है। खून नहीं रहने की वजह से कई पेशेंट की मौत हो जाती है और ब्लड ग्रुप समय पर नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे परफेक्ट तरीका, किस तरह आप जान पाएंगे किस हॉस्पिटल में कहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप का खून बचा हुआ है, अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके उनको खून ले सकते हैं और अपने पेशेंट को दे सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपके अपने फोन पर पहुंचती रहे। तो चलिए, समय नहीं गवाते, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया ors.gov.in की वेबसाइट, तो आपको सर्च करना है ors.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आप बुक भी, अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको मिला ब्लड अवेलेबिलिटी, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना, आप किस स्टेट के हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, तो दिल्ली में कोई ब्लड नहीं है, तो बिहार में सेलेक्ट करो। जैसे बिहार में एक हॉस्पिटल है एम्स, ठीक है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल स्टेट है किस डिस्ट्रिक्ट में और हॉस्पिटल का नाम क्या, उसके बाद यहाँ पे दिया है किस ब्लड ग्रुप में कितना अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस ब्लड ग्रुप में इतना ब्लड अभी बचा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो ये ले। ये कब अपडेट हुआ, यानी कि 10 दिन, आज मैं 10 दिन में वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 10-15 हो रहे, और ये 9:40 में अपडेट किया गया है, 10 मार्च 2020 को ये रोज़ अपडेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं, इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी चीज़ आपको आइटम के साथ, नेम के साथ पूरी चीज़ विस्तार से बताए कौन सा ब्लड ग्रुप में कितना खून इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर तो पूरा शो नहीं करता, लेकिन ईमेल आईडी पूरा शो कर जाएगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या इस हॉस्पिटल में जाकर आप ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरे स्टेट को हम सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद मैं महाराष्ट्र को सिलेक्ट करता हूँ, तो महाराष्ट्र में अभी कोई नहीं है, तो अब देख लीजिए कौन सा स्टेट में आ रहा है, किसमें नहीं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ किया तो छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप बाकी है, ये भी कब अपडेट हुआ, सभी का समय दिया रहता है। और जैसे उत्तर प्रदेश का भी मैं आपको चेक, उत्तर प्रदेश में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है हुआ है कोई भी ब्लड बैंक का, ठीक है। तो इस तरह अगर बिहार के हैं तो या किसी भी हॉस्पिटल से जाए तो आप इस तरह पता कर सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कौन सा ब्लड ग्रुप का खून अभी बाकी है, ब्लड अभी बाकी है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ व्यू कॉन्टैक्ट के नीचे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं या इस कॉन्टैक्ट नंबर की मदद से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो तो एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत काम की वीडियो है, और इस वीडियो को मैं आप गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी मदद से और हमारी मदद से, हम सब की मदद से किसी की जान बच सके। तो हमारी, हम सब की यही इच्छा रहती है कि हमारे से, हमसे किसी से को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से एक किसी भी आदमी का इस वीडियो की मदद से वो ब्लड खरीद सकता है और अपने आप को, मतलब कि ब्लड चरवा सकता है, जिससे उनकी जान बच सकती है। तो ये छोटा सा अपील है हम
हमें आपसे कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए या न कीजिए लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं आपके एक शेयर से कितने की जान बचती है। तो ये क्योंकि आप जानते हैं ब्लड ग्रुप की कमी से भी इंडिया में बहुत लोगों की रोज़ पर डे मौत होती है। तो इस टॉपिक पे मैं मेडिकल टॉपिक के बारे में आज मैं वीडियो बनाया हूँ। ये हमारा सेकेंड वीडियो मेडिकल टॉपिक का, और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह ऑनलाइन किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन पर्सेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर्ची कैसे कटाए, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उस वीडियो का भी। और इस वीडियो दोनों वीडियो को आप हर तरह की वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आपकी मदद से और हमारी भी मदद से सभी को फ़ायदा पहुंचे। हमारा एक ही मकसद कि आप सभी को फ़ायदा पहुंचाना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे मिलती रहे।